साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे NIOS होम साइंस सबक नंबर 17 क्लास 10th और 12th दोनों के लिए एक मर्ज यानी जम वीडियो बनाई है। तो सबसे पहला सवाल है, धोने की इस्तिलाह की वजाहत करें, यानी धोना किसे कहते हैं। देखिए, धोना दो तरीके का होता है। एक धोना वो होता है जो हम कपड़े वगैरह धोते हैं, एक कहते हैं भाई उसे धो दिया रखे, तो वो भी धोने में ही आता है, लेकिन वो धोना पीटने के लिए आता है, तो वो अलग धोना है और ये धोना अलग है। तो यहाँ पे कपड़े धोने वाला धोना है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट के धोने का मतलब है कपड़ा, कपड़े धोना, धोने का मतलब है कपड़े धोना और उनकी गंदगी को दूर करना और उन्हें ख़त्म करना, ये यहाँ पे धोने का मतलब है। दूसरा है यानी कपड़े पहनना, इस्त्री करना, जो चीज़ें जो ज़रूरी हैं ताकि वो साफ़ नज़र आएं और उसके बाद उनकी देखभाल करें, ठीक है। तो धोने की इस्तिलाह यही है कि उसको धोना, उसके ऊपर से गंदगी साफ़ करना, उसको प्रेस करना, इस्त्री करना, ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल है इसके अंदर, कपड़े को हवा देना क्यों ज़रूरी है, कपड़े को हवा देना क्यों ज़रूरी है। तो इसका जवाब है, कपड़े के लिए हवा का वेंटिलेशन ज़रूरी है क्योंकि ये कपड़े को खुश्क रखने और इससे बदबू दूर करने के लिए किया जाता है। अगर आप कपड़े को हवा नहीं देंगे तो उसके अंदर वो सूखेगा भी नहीं, खुश्क भी नहीं होगा और उसके अंदर बदबू भी बनी रहेगी। इसी वजह से कहते हैं कि उसे ताज़ी हवा में फैला दें, धोके धूप में लगाएँ, उसे धूप लगाने से भी कपड़ा के अंदर की बदबू ज़ाहिर हो जाती है, चली जाती है। इसके बाद तीसरा सवाल है कि कपड़ों का ख्याल क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल ज़ाहिर बात है कि इंसान जैसे अपना ख्याल रखता है ताकि वो सही सालिम रहे, ठीक रहे, ऐसे कपड़ों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। चलिए पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, पॉइंट्स में क्या बात कही गई है और ये क्या कहते हैं। कह रहे हैं, कपड़े पहनने से इस पर मैल, पसीना, चिकनाई वगैरह लगती है, इससे कपड़े पुराने लगते हैं, ठीक है। अगर कपड़े पे हम ध्यान नहीं रखेंगे तो इस पर, क्योंकि कपड़े पे मैल भी होता है, पसीना भी, चिकनाई वगैरह लगती रहती है, इससे कपड़े पुराने लगते हैं। गंदा कपड़ा कभी कमज़ोर हो जाता है, जल्दी कमज़ोर हो जाता है, इसलिए कपड़ों की सफाई और देखभाल ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है, आप कपड़े को नहीं धोइए, उन्हें गंदा रखिए, पहनते रहिए वही सड़ा सड़ा के, तो क्या होगा, वो लक्कड़ की तरह हो जाएंगे, पापड़ की तरह हो जाएंगे और फिर आप जब उन्हें पहनेंगे तो आपको अजीब व गरीब लगेंगे, वो पापड़ की तरह नहीं फट जाएंगे, कहीं कहीं से कट जाएंगे। तो कपड़ों के लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें उनका ख्याल रखें, उनको गंदगी से बचाएं, और ज़ाहिर बात है उनको बचाएंगे तो अपने आप को बचाएंगे और उनको जो है पसीने वगैरह से भी बचाएं, ठीक है। पसीने उसको खुला रखें, ताज़ी हवा में रखें। तो इसके बाद चौथा सवाल है इसका कि आप ड्राई क्लीन से क्या समझते हैं, ड्राई क्लीन क्या होती है, इसके बारे में ये सवाल है। ड्राई क्लीन क्या होता है, ये भी धोने का एक तरीका है, जैसे आप अपने कपड़े धोते हैं, ये भी ड्राई क्लीन का एक तरीका है। आप लेके जाते हैं ड्राई क्लीनर के पास, ठीक है। इस तरीके से महंगे कपड़े धोए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, हल्के फुल्के कपड़े नहीं धोए जा सकते, क्योंकि हल्के फुल्के कपड़े वैसे ही सस्ते होते हैं, उनको अगर आप धुलवाएंगे तो धुलवाई इतनी चली जाएगी कि जितने के वो है नहीं। इसकी वजह से कपड़ों की गंदगी, स्लोएंट एक्शन और चिकनाई जज्ब करने वाले के ज़राए के ज़रिए होती है, मतलब कोई एक केमिकल वगैरह यूज़ किया जाता है जिसके ज़रिए इसकी चिकनाई को ख़त्म किया जाता है, ज़ाहिल किया जाता है। कुछ जाजी फ्रांसीसी चौक, फ्लेरेन थोंग की दाल पाउडर, चने का आटा वगैरह, कुछ सिलिवेन सफ़ेद पेट्रोल, कार्बन हाइड्रोन वगैरह है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलाई जाती हैं जिससे आप ड्राई क्लीन करते हैं। तो ड्राई क्लीन के लिए सारी चीज़ें होती हैं और उससे ड्राई क्लीन होता है कपड़ा और उस पर दाग धुले सारे अच्छे हो जाते हैं। रंगीन कपड़े धोने का तरीका बताएं, बहुत ज़बरदस्त सवाल है कि रंगीन कपड़े कैसे धोए जाते हैं, उनका क्या प्रोसीजर है, अगर आपको रंगीन कपड़े धोने हैं तो क्या करना चाहिए, रंगीन कपड़े कैसे धोए जाते हैं, अलग अलग तरह से सवाल पूछा जाता है। तो इसका जवाब है, अगर कोई सूती कपड़े का रंग निकल आए तो उसे भिगो कर ना रखें। जैसे अगर कोई सूती कपड़ा कपड़े का रंग निकल आए यानी कपड़े का रंग छोड़ दे तो उसे भिगो कर ना रखें।
उन्हें धोने के लिए हल्के या गैर जानिबदार साबुन का इस्तेमाल करें। उन्हें धोने के लिए मशीन और निचोड़ने का तरीका इस्तेमाल करें, ठीक है। अलग धोएं, सबसे बड़ी बात है रंगीन कपड़े को धोना है तो अलग धोएं। कपड़े को अच्छी तरह निचोड़ लें और आखिरी बारी में कपड़े को उल्टा करके उस पर मेंड दें, ठीक है। उसके बाद है इसमें इसे साए में खुश्क करें, मतलब इसको जो अगर आप जो है वो करना चाहते हैं, मतलब सुखाना चाहते हैं, तो धूप में नहीं सुखाएं बल्कि साए में सुखाएं जहाँ पे धूप नहीं पड़ रही हो, क्योंकि अगर धूप पड़ेगी तो इसका रंग और फेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसी वजह से इसे साए में सुखाएं। कपड़े को उस वक्त इस्त्री करें जब उसमें कुछ नमी रह जाए, यानी अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत गीलापन रह जाए तो उसके अंदर मतलब थोड़ी सी नमी रह जाए तो उसे क्या कर लें, इस्त्री कर लें, ठीक है। अगला, इन्हें इस्त्री करने के बाद रखें जब वे मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएं। इस्त्री करने के बाद इसे रखा रहने दें जब तक वो क्या नहीं हो जाते, खुश्क नहीं हो जाते। जब खुश्क हो जाएं तो फिर आप उन्हें रख दें। इसके बाद इसमें अगला सवाल है कि दाग दूर करने के लिए, दाग जो लग जाते हैं उन्हें दूर करने के लिए आम एहतियातें क्या हैं, क्या एहतियात हैं कि जो दाग, आम एहतियात का मतलब है कि जो जर्नली हैं कि आप उसे दाग से बचा सकते हैं, आप दूर करने दाग धब्बों को हटाते वक्त दर्ज झेल उमूमी उसूल या एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है, जैसे भी उस पर दाग लग जाए उसे जल्द अज जल्द हटा देना चाहिए, क्योंकि ताज़ा धब्बों से छुटकारा हासिल करना आसान होता है। बिल्कुल सही बात है, देखिए कर्ज और बीमारी की तरह है, जैसे किसी को छोटा ना समझो, अगर फौरन लग जाता है तो फौरन उसे छुटा लो, जैसे ही लग जाए फौरन पता लगे उस पर एकदम एक्शन करना शुरू कर दो, ठीक है। दूसरा है, दाग जितना पुराना होगा उतना ही उसकी पायदारी बढ़ती जाएगी, मतलब उतना ही वो गहरा होता जाएगा, उतना ही वो अपना कपड़े में जगह बनाता जाएगा। उन जगहों पर जिनके बारे में कुछ मालूम ना हो, सबसे आसान तरीका उस फितरत को नर्म तरीन मवाद इस्तेमाल किया जाए, यानी उसको हटाने के लिए नर्म तरीन चीज़ें इस्तेमाल की जाए। सातवा सवाल है कि मसनूई कपड़ों को क्या कहते हैं, मसनूई कपड़े कैसे धोए जाते हैं, मसनूई कपड़े क्या कहते हैं। मसनूई कपड़े वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे नाइलॉन है, पॉलिएस्टर है, पॉलिस्टर है और एलेक्रिक है, मसनूई कपड़े हैं। इसके लिए मसनूई कपड़ों की धुलाई कुछ मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है। इनकी धुलाई क्या है, इनके लिए नीम गरम या ठंडे पानी इस्तेमाल करें। नीम गरम हो, यानी नीम गरम का मतलब ये नहीं नीम का पानी हो, नीम गरम का मतलब होता आधा गरम, ठीक है। गरम पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कपड़ों में बहुत ख़राब पड़ जाती है। इसे धोते वक्त अच्छे साबुन का इस्तेमाल करें और दबाएं और हल्के हाथ से रगड़ें, ठीक है। इन्हें धोते वक्त अच्छे साबुन का इस्तेमाल करें और दाएं और हल्के हाथ से रगड़ें। इसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 8, अपने ऊनी स्वेटर को धोने का तरीका लिखें, ठीक है। अगर ऊनी स्वेटर है तो उसे किस तरीके से धोना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो सारा लिखना है। धोने से पहले ऊनी कपड़े को फ्लैट फर्श या मेस पर कागज़ फैलाकर उसका ब्लूप्रिंट बनाएं, ठीक है। ब्लूप्रिंट बना लें, ब्लूप्रिंट होता है उसका निशान देंगे ना। पानी के टब में साबुन डालें और बहुत सारे झाग उठाएं, और फिर उसके बाद पानी के टब में साबुन डालें बहुत। इसके लिए नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये गंदी जगह को आसानी से हटा देता है, ताहम गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूखने के लिए कोई चपटी सतह पर साए में छोड़ दें, मतलब जब इसे सुखाना हो तो कोई बिल्कुल प्लेन सतह हो, जैसे फर्श हो, फ्लेट हो, उसके ऊपर सुखा दें। ऊनी कपड़े को सिर्फ उस वक्त रखना चाहिए जब वे मुकम्मल तौर पर खुश्क, जब तक सूखे ना रखना नहीं चाहिए। सवाल नंबर 9 है इसके बाद कि नायलॉन, पाइलिया, पॉलिस्टर और एलिक्रेक आसानी से आग क्यों पकड़ते हैं, अगर इनमें पॉलिस्टर, नायलॉन, एलिक्रेक आसानी से आग क्यों पकड़ते हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर और एलिक्रेक वगैरह मसनूई रेशे हैं, ये पेट्रोलियम मसनूआत से तैयार की जाती हैं। चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत से बनती है इसलिए वह आसानी से आग पकड़ सकते हैं।
क्योंकि पेट्रोलियम से तैयार है तो भाई आग तो पकड़ेंगे। 10वां सवाल है, गर्मी के मौसम में कपड़े कैसे पहने। बहुत अच्छा सवाल है, कॉटन के पहने वैसे, सूती। गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनना ज़्यादा मुफीद है। क्यों? क्योंकि सूती कपड़े जाजिब होते हैं, सूती कपड़े जिस्म को ठंडा रखते हैं, जिससे गर्म हवा सूती कपड़े से आसानी से निकल जाती है, गर्म हवा निकल जाती, पसीने भी आते हैं तो वो सूख जाते हैं। सवाल नंबर 11 आखिरी है, देखिए इसके अंदर सवाल ज़्यादा होगा तो आप परेशान ना हो ज़्यादा सवाल से भी, क्योंकि देखिए मेहनत करनी है और ये सारे सवाल आपके लिए ज़रूरी हैं। बंदर जेल पर तबसरा, सादा बुनाई ठीक है, टॉयल व्यू और साटन की बुनाई। सादा बुनाई को होम स्पैन टैनी या टेंटिव कहते हैं। इस किस्म की बुनाई सबसे आसान है, जब एक वेलेफ्ट सूती को एक वेलेफ्ट के ऊपर से और दूसरे वेलेफ्ट के नीचे बारी बारी कहना जाता है। ज़्यादातर ताने बाने सादे बुनाई के मुकम्मल एतबार से होते हैं। ये इकतसादी बुनाई का अमल है, इस पर प्रिंटिंग और कढ़ाई के लिए बेहतरीन मौजू है। तीसरा है ट्विल व्यू, ये एक करखे में बुना है जिसमें 3 या 4 वेल्फ्ट होते हैं ठीक है। चुड़मियाँ से बने ताने बाने की शनाख्त एक सिलसिला तिरछी लकीर में बुने होते हैं कपड़े के तौर पर की जा सकती है। इससे तिरछी लकीर को कहा जा सकता है। जुड़वे के मुख्तलिफ डिज़ाइन तिरछी को मुतवन्नू बनाकर बनाए जाते हैं। ये बुनाई मजबूती से बनती है, इसलिए ये ताने बाने के लिबास और मर्दों के लिबास के लिए मौजूद है ठीक है जी। तीसरा है इसका पॉइंट, कोलेरेंटीन हाइड्रोन विटामिन जैसे जड़ों से बांधने की मिसाल है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें उर्दू का मटेरियल नहीं मिल पाता। अगर आप हमारे से ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी क्लासेस दी जाती हैं और आप जो है कोर्स भी, मतलब कोई गाइड वगैरह चाहिए आप हमसे मंगा सकते हैं, नोट्स चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, असाइनमेंट बनवाने वो हम बनवा देंगे, प्रैक्टिकल आपको करवाना है काम वो हम करवा देंगे, इन सब चीज़ों में आपकी हेल्प कर देंगे। किसी भी तरह की आप हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड NIOS की ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।